वेलकम टू hindicom.com। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इजी बन हेयर स्टाइल फॉर किड्स। ये बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये देखने में बहुत ही यूनिक लगती है। इसके लिए सबसे पहले आप बालों को कॉम कर लीजिए। बच्चों का हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसके लिए उनका हेयर स्टाइल बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए मैं आपके साथ बहुत ही इजी हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही कम टाइम में आसानी से बन जाती है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से आप एक टाइट पोनी बनाइए ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो फिक्स रहे। एक रबर बैंड लगाइए, ये देखिए पोनी बन गई है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बन डोनट। ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, ये कई साइज़ में आता है। मैं मीडियम साइज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हेयर स्टाइल मैं किड को बना रही हूँ, तो बच्चे के लिए आप ये मीडियम साइज़ यूज़ कीजिए। अगर आप चाहें तो ये हेयर स्टाइल किसी बड़े की भी बना सकते हैं, जिसके बाल लंबे हों तो आप थोड़ा सा बड़ा डोनट का साइज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो होल है इसमें मैं पोनी को फंसा देती हूँ इस तरह से। फाइन। अब सेकेंडली सारे जो बाल हैं उसको इवनली स्प्रेड कीजिए लाइक दिस। बालों को स्प्रेड करने के बाद एक टाइट रोबन से बन के ऊपर से एक रोबन लेकर लगा दीजिए, इस तरह से लगाइए। देखिए बहुत ही प्यारा बन चुका है। अभी जो एक्स्ट्रा बाल बचे हुए हैं आप उनको ऐसे फोल्ड करके पिनअप कर दीजिए साइड में। इसको फिक्स करने के लिए मैं बॉबी पिन का यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से फिक्स हो जाएगा बच्चे के बाल, यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। देखिए बन के तैयार हो गया है। अभी इसको हम डेकोरेट करेंगे। आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर एक्सेसरीज जो भी आपके पास है। मेरे पास एक ये हेयर बैंड है, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप ड्रेस की मैचिंग का या जो भी कुछ आपके पास है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, ये सिंगल है इसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, वैसे बन के ऊपर लगा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा बन बन चुका है, बहुत ही कम टाइम में ये हेयर स्टाइल बन गया है। ये हेयर स्टाइल बहुत ही यूनिक है। आप इसके साथ चाहें तो आगे दो तीन लेयर हेयर का लेकर उसको कर्ली कर सकते हैं या स्ट्रेट छोड़ सकते हैं या कोई छोटा सा पॉप भी आगे बना सकते हैं। वैसे हेयर स्टाइल अगर आप ऐसे ही बनाते हैं बन को तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सेकेंडली सेम बन है जिसको मैं और तरह से डेकोरेट करना बता रही हूँ आपको, इसको हम निकाल देते हैं। I'm using one more pin to fix it. Secondly, मेरे पास ये फ्लावर बन है, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप इस तरह से प्रिंसेस बन बना सकते हैं। This one is my favorite. Look, कितना प्यारा लुक आ रहा है इस बन में। देखिए फ्रेंड्स इसके साथ मैं एक
रॉब एंड है मेरे पास, जिस पर एक रेड कलर का फ्लावर बना हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के रॉब एंड आपके घर में बहुत सारे होंगे, जिस पर कोई डिज़ाइन होगा, फ्लावर होगा, बो बना होगा, तो उसको भी आप अपने बन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत बन बन चुका है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है बन बनाना। आप चाहे तो कोई हेयर पिन कुछ भी आपके पास है तो उससे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल बन बन गया है, एक सिंपल बन जिस पर एक वाइट कलर का फ्लावर लगा हुआ है। आप मैचिंग जो आपका ड्रेस है, जो बच्चे ने ड्रेस पहना हुआ है, उसके मैचिंग का कोई हेयर पिन अटैच कर सकते हैं। इस तरह से बन बना सकते हैं आप। आपके पास कोई भी हेयर एक्सेसरीज है, लाइक आपके पास कोई हेयर बैंड है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही इजी हेयर स्टाइल बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।